जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक नंबर हमारा 10वां होगा, जो हमारा टॉप ट्रेंडिंग 100 टॉपिक का जो चल रहा था, आज 10वां टॉपिक लेकर आए हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024 मैथ्स के जो टॉपिक चल रहा हो, देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है आपका, पावर वाले संख्या का भाजक ज्ञात करना, जो पावर दिया हुआ संख्या, इस प्रकार के जो प्रश्न होता है आपको, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तीनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल दो प्रश्न आपको एनटीपीसी यहाँ पे देखिए पूछा गया था, ये पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पहला टाइप का क्वेश्चन आपका, ठीक है, टाइप वन इस प्रकार का हो गया और ये टाइप टू का हो गया, है ना, ये हो गया टाइप टू का। दो प्रकार के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में इस प्रकार के पूछा गया था, तो आप शुरू से लास्ट तक हमारे बने रहिएगा, ठीक है। इसके बाद भी आपको जो टॉपिक था लगातार, जो बीच में जो बंद हो गया था तबीयत खराब होने के कारण, ठीक है, आज से फिर आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बीच बीच में आपको ग्रुप डी का क्वेश्चन, एनटीपीसी का भी क्वेश्चन हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, और ये टॉपिक वाइज भी आपका चलते रहेगा, ठीक है। 100 टॉपिक में आपका लगभग मैथ का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखिए इस प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए टाइप वन में देखिए क्या है आपको, देखिए इस प्रकार का प्रश्न है आपको दिया हुआ है, यदि कोई संख्या इतना तो फॉर्म में किससे विभाजित होगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे इसको हम पहले थ्योरी देखते हैं ना, तो थ्योरी क्या है आपको सबसे पहले वो देखिए, टाइप वन देखिए क्या है आपका, ठीक है, यदि ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन होगा, यदि ए पे पावर एन और बी पे पावर एन हो, ठीक है, एन बराबर यदि विषम संख्या हो, एन बराबर विषम संख्या हो, ठीक है, विषम संख्या का मतलब हो गया कि ऑड नंबर, ठीक है, कौन सा संख्या होगा आपको, ऑड नंबर, यदि आपका ऑड नंबर होगा, यदि ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन, एन विषम संख्या होगा, इसका जो भाजक होगा वो होगा ए माइनस बी, तो a माइनस बी तो होगा है, लेकिन यदि a माइनस बी नहीं होगा तो इसका गुणनखंड वाला पार्ट होगा, इसका क्या होगा, गुणनखंड वाला पार्ट होगा, इसका क्या होगा आपको, गुणनखंड वाला पार्ट होगा। दो चीज यहां पे समझिएगा, ठीक है, ठीक है। तो कंडीशन सवाल का क्या है कि a पे पावर n b पे पावर n होगा, n आपका क्या होना चाहिए, ये जो n होगा ये आपका क्या होगा, आपका विषम संख्या होगा और दोनों सेम होगा आपको, ठीक है। इसका जो भाजक बनेगा वो क्या होगा, a माइनस b होगा। यदि a माइनस b आपको ऑप्शन में नहीं दिया हो तब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, उस गुणनखंड में जो हमारा ऑप्शन में रहेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम सॉल्व करते हैं पहला टाइप का क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ पहला क्वेश्चन आपका है ना, क्या है क्वेश्चन, यदि 17 पर पावर 117 13 पर पावर 117 को फॉर्म में हो तो किससे विभाजित होगा, मतलब यह संख्या किससे विभाजित होगा, इसका मतलब भाजक का मतलब क्या होता है कि किस संख्या से विभाजित होगा, ठीक है, वही आपको भाजक कहलाएगा। तो यहां पे देखिए क्या आपको 17 पर पावर 117 माइनस 13 पर पावर 117 क्या बताए थे, अभी तुरंत बताए थे कि ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन, एन आपका यदि विषम संख्या हो, एन यदि आपका विषम संख्या हो इसका जो भाजक होगा वो कितना होगा, भाजक ए माइनस बी होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ देखिए ये भी विषम संख्या, पावर विषम संख्या है, इसका जो भाजक होगा वो कितना हो जाएगा, इसका भाजक कितना हो जाएगा, 17 में से 13 घटाइए, 17 में से 13 घटा देंगे कितना होगा आपको, 4 होगा। ऑप्शन देखिए है कहीं पे, नहीं है तो ऑप्शन यदि नहीं है तो 4 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 × 4 क्या दो ऑप्शन में है दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। यदि आपका डायरेक्ट नहीं आंसर आ रहा था उस संख्या का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 100% आपको ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपको 37 पे पावर 537 माइनस 12 पे पावर 537, आप यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये भी आपका क्या है आपको, विषम संख्या, ये भी विषम संख्या आपको, ठीक है, और इसका जो भाजक होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, इसका भाजक कितना हो जाएगा हमारा, 37 में से 12 घटेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपको, 25 हो जाएगा, 25 ऑप्शन में है देखिए, तो हाँ ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपको 47 पे पावर 25, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक आप देखिए 47 पे पावर 25 एक है, तो एक को हम लिख सकते हैं, एक पे पावर 25 रखेंगे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 47 पे पावर 25 माइनस एक पे पावर 25, एक पे पावर कुछ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीरो छोड़ के, ठीक है, जीरो भी देंगे तब भी मान आपका वन ही रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये भी आपका क्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ठीक है, और ये भी आपका क्या हो गया, विषम संख्या, इसका भाजक कितना होगा, इसका भाजक कितना होगा,
इसका भाजक कितना होगा, 47 में से एक घटाइए कितना होगा आपको 46 होगा। 46 देखिए ऑप्शन में है, 21-24 नहीं है। अब 46 का आप क्या कीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। 46 का गुणनखंड करेंगे कितना हो गया 23, ठीक है। अब देखिए इसी दोनों में इसको एक होगा, दो है कि 23 है ऑप्शन में, 23 है तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रखना है ए पे पावर एन, बी पे पावर एन, एन विषम संख्या होगा, इसका जो भाजक होगा क्या होगा, एम एन एस बी होगा। यदि वो नहीं आता उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए टाइप टू की तरफ हम बढ़ते हैं। अब टाइप टू, ठीक है, दोनों से आया हुआ है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आने की संभावना पूरा है। यदि ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन, एन बराबर आपका यदि विषम संख्या हो, एन विषम संख्या हो, तो इसका जो भाजक होगा, इसका जो भाजक होगा वो कितना होगा, ए प्लस बी होगा। क्या करेंगे, ए प्लस बी होगा, इसका जो भाजक होगा क्या होगा, ए प्लस बी होगा। यदि ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन, एन विषम संख्या होगा, तो माइनस था तो क्या था, तो माइनस कर दिए थे, प्लस है तो क्या होगा, प्लस कर देंगे, यही हमारा क्या होगा, इसका रूल होगा। और ये नहीं आएगा तो इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। उस गुणनखंड में, ठीक है, उस गुणनखंड में जो ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, है ना, क्या दिया हुआ कि 13 पर पावर 15 प्लस 12 पर पावर क्या आपको 15। अब यहां से देखिए ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या और दोनों सेम है, इसका जो भाजक होगा तो ये क्या, दोनों बेस जोड़ता है, इसका जो भाजक होगा वो कितना हो जाएगा, देख लीजिए इसका भाजक कितना होगा, 13 प्लस क्या होगा आपको 12 होगा, 25 होगा। यदि ऑप्शन में 25 होगा तो यही आंसर होगा, नहीं तो इसका गुणनखंड करेंगे, तो 25 का गुणनखंड करेंगे तो 25 होगा, 5 या 25 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 5 यही का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, 47 पे पावर 87 और 87 पे पावर क्या आपको 87 है, है ना, तो इसका कौन सा भाजक होगा, ये किन संख्या से कटेगा, भाजक का मतलब हो गया कि किन संख्या से कटेगा वो। तो अब देखिए यहां पर आपका क्या विषम संख्या, ये भी क्या आपको विषम संख्या है, इसका जो भाजक होगा, इसका जो भाजक होगा कितना होगा, 47 प्लस 87, है ना। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, ये हो गया 7, 7, 14 हो गया, 8, 4, 12, 1, 13 हो गया, 134, 134 ऑप्शन में नहीं है, तो 134 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, दो से तो कटेगा ही, ये हो गया 2, 6, 12, 2, 7, 14, या तो 67 होगा, या तो 2 होगा, या तो 134 होगा, तीन पार्ट में बटा हुआ, इसी तीनों पार्ट में कोई आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा या तो 134 होगा, ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, गुणनखंड किए तो 2 आया, तो 2 भी ऑप्शन में नहीं है, 67 आया है, तो 67 आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 13 पर एक पावर 117 और 22 पर पावर कितना आपको 117 है, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, इसको दौड़ेंगे यही हमारा क्या होगा, भाजक होगा, यही हमारा क्या होगा, भाजक होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। अब 35 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 35 का गुणनखंड करेंगे, 5 और 7 आएगा, 5 और 7 आएगा, इसका मतलब 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, तो ऑप्शन दिया हुआ 7 या 5, तो 7 भी कट सकता है या तो 5 भी कट सकता है, ऑप्शन में इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या दिया हुआ कि 7 पावर 3 होल पावर कितना दिया आपको, 13 दिया हुआ है, अब प्लस 2 पर पावर कितना दिया आपको, 13 दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, यहाँ भी विषम संख्या और यहाँ पे भी विषम संख्या, इसका बेस तो ये दोनों है, मतलब ये का पूरा संख्या हो गया और ये 2 हो गया, दोनों जुटेगा, इसका जो भाजक होगा वो देखिए कितना होगा, इसका जो भाजक होगा वो कितना होगा, ये भाजक होगा 7 पर पावर 3 प्लस 2 होगा, और 7 पर पावर 3 का मान कितना हो गया, 343, प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 345 हो गया, 345 तो ऑप्शन में है नहीं, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 345 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 5 से भी तो डायरेक्ट कर सकता, कर सकते हैं इसको, 5, 6, 30, 5, 9, 45, अब देखिए यहाँ से, ठीक है, और एक बार और कर लेते हैं आपको, ठीक है, 3 से कर दें, 3, 6, 3, 9, 23, अब देखिए कौन कौन इसका आंसर हो सकता है, एक तो 345 हो गया, पहला हो गया, ये तो आंसर होगा ही, 5 भी यहाँ पे है आपका, 3 भी है, 23 भी है,
और ये आपका 69 भी हो जाएगा, ये 69 भी होगा, ठीक है 69 भी होगा। इसी में से कोई एक आपका आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आपको 69, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। आपका यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए, आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको 2021 में, क्या है आपका 41 पे पावर 43 प्लस 47 पे पावर 43 है, इसका जो भाजक होगा वो कितना होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है रहता है ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये दोनों जुटेगा कितना हो गया 3 × 1 = 4 हो गया, 4 × 4 = 8 हो गया, 84 हो गया। 84 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम तीसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं, ये आपका एनटीपीसी में नहीं पूछा है, आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है आपको, इसीलिए आपको यहाँ से देखना जरूरी है, इस टाइप का क्वेश्चन को बताना जरूरी है। टाइप थर्ड का क्या है आपका, देखिए प्रोसेस टाइप थर्ड, ठीक है। यदि ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन, एन यदि आपका सम संख्या हो, यदि सम संख्या हो, सम संख्या हो, इसका जो भाजक होगा वो देखिए कितना होगा, इसका जो भाजक होगा ये दो यहां पे निकलेगा, ठीक है, या तो ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी होगा, दोनों चेक करना होगा आपको, दोनों करके आपको ऑप्शन चेक करना होगा, इसका भाजक दोनों होगा। क्यों होगा, इसका भी रीजन है कि ये जो सम संख्या होगा ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में टूटता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका यही भाजक होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भाजक होगा, गुणनखंड होगा, ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी होगा, तो पावर जो आएगा सम संख्या में आएगा, सम संख्या में आएगा तो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका क्या होगा, दो भाजक होगा, या तो ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी होगा, दोनों हम चेक करेंगे, जो ऑप्शन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आपको समझ, 32 पे पावर क्या हो गया 68 हो गया, और 10 पे पावर क्या हो गया आपको 68 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या है, ये भी आपको सम संख्या, ये भी सम संख्या है, यहां से दो भाजक होगा, या तो 32 प्लस 10 होगा या तो 32 माइनस क्या होगा आपको 10 होगा, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया आपको 42 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 22 का गुणनखंड करेंगे तो 11 होगा, 2 होगा, ऑप्शन में है नहीं है तो ये वाला पार्ट हटा दीजिए आप, ठीक है। 42 है तो 42 को 2 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, तो 7 आपका दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब यदि हम 42 का गुणनखंड करेंगे तो 6 × 7 = 42 तो आ रहा है। ऑप्शन देख के यदि करेंगे तो गुणनखंड भी जल्दी हो जाएगा और आंसर भी जल्दी आ जाएगा। 6 × 7 = 42 है, 7 है, 6 है, इसमें से कोई होगा तो आपका आंसर हो जाएगा, 7 दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 पे पावर 46 - 13 पे पावर 46, है ना। तो आप यहां से देख सकते हैं ये भी सम संख्या, ये भी संख्या, दो भाजक होगा, एक बार दोनों को जुटेगा, एक दोनों जुटेगा, 47 + 13 एक कितना होगा, 47 - कितना होगा आपको 13 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, ये 60 होगा, ये 7 में से 3 गया कितना हो गया 4, 4 में से गया 3 कितना हो गया आपको 34 हो गया, 60 और 34 है, 60 और 34। अब देखिए 60 और 34 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 6 से कटेगा 60, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 60 का गुणनखंड करेंगे 10 × 6 = 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अभी देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कॉमन जो हमारा भाजक होगा वो कौन सा होगा, दो क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ जो पीछे पड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या है आपको, 13 पे पावर कितना आपको 26 है, और 12 पे पावर कितना आपको 26 है। दूसरा पार्ट है आपको 18 पे पावर 81 है, और 7 पे पावर कितना आपको 81 है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन आपको एक साथ है कि दोनों का जो कॉमन भाजक होगा, दोनों में जो कॉमन भाजक होगा, मतलब दोनों का जो भाजक होगा, ऐसा कौन सा संख्या जो कि दोनों को विभाजित करेगा वो कौन सा संख्या होगा, तो यहां से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका देखिए, ये आपका सम संख्या, ये भी सम संख्या है, इसका दो भाजक होगा, एक 13 + 12 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, एक 25 होगा, दूसरा 13 में से 12 घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। आइए यहाँ पे आप देखिए, ये आपका कौन है, विषम संख्या है, ये भी क्या आपको विषम संख्या है, इसका जो भाजक क्या होता है, विषम संख्या होगा पावर, तो दोनों जुटेगा तो 18 + 7 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 25 है, एक है, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है 25 है, दोनों में क्या कॉमन है 25 25 है, आंसर 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इस प्रकार का यहाँ देखिए, 26 पे पावर कितना हो गया 18 हो गया, -14 पे पावर कितना हो गया आपको 18 हो गया, ठीक है। ये देखिए इधर कितना आपको 23 पावर कितना हो गया 15 हो गया, +17 पे पावर कितना हो गया आपको 15 हो गया,
अब कॉमन भाजक पूछ रहा है, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है, गुणनखंड पूछे या भाजक पूछे, दोनों एक ही चीज यहाँ पे होगा, क्योंकि जब जो संख्या चार से कटा वो दो से भी कटेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से इसका जो भाजक हुआ, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, इसका भाजक कितना होगा, दोनों का योग होगा, 17 23 का 7 3 10 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है, 40 हो गया। यहाँ पे भी दो भाजक होगा, एक 26 प्लस 14 होगा, 26 प्लस 14 कितना हो गया आपको, 40 हो जाएगा, दूसरा 26 में से 14 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको, 12 हो जाएगा। अब 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।